बड़े से बड़े हालात क्यों नहीं, आप रोज धन्यवाद देना शुरू करो। सुनो, मैं जब मैं प्रभु में आया तो मुझे एक ऐसे मेरे पेट के अंदर एक बीमारी थी, वो जिसे तेजाबी मादा बोलते हैं। बोलो क्या है? तेजाबी मादा बनता था जब जिस किसी को बंदे को हो जाता, वो चाहे कितना भी ठंडा पानी, कितनी भी ठंडी चीजें खाए, उसके अंदर फिर भी ऐसे जैसे आग बल रही है। क्या बल रही है? आग बल रही है। आग तब मैं जब नया नया प्रभु में आया था तो मैं श्वास करता था नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, पर प्रॉब्लम ज्यादा थी। और आखिरकार मैं एक देसी किम के पास गया, उसने मेरी मुझे तब पहले नहीं पता था क्या होता है, तब पहले तो मैं विश्वास में बना रहा। क्या रहा? जब मैं एक देसी हकीम के पास गया, बोलो किसके पास? एक देसी हकीम के पास गया, देसी हकीम के पास, उसने मेरी ऐसी नस को पकड़ा हाथ की, तो उसने उसने कहा तेजाबी मादा है, क्योंकि उन्हें पता चलता है ना। तो मैंने कहा क्या करना, उसने कम से कम आधा किलो के करीब मेडिसिन होगी, इतनी कैप्सूल गोलियां, कहता ये तेरी महीने की मेडिसिन है, खा कोई नहीं, इसके बाद देखिए। मैं देख के बोला, क्योंकि मैं शुरू से ही ऐसे मेरा मन था खुदा के ऊपर नहीं, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल चीजें करने में बहुत शुरू में था। तो मैंने कहा नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा आऊंगा, मेरे पास झूठ बोला, मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं। और मैंने फिर उस दिन से रोज रोज धन्यवाद देना शुरू किया, नहीं परमेश्वर मेरे लिए नहीं, नहीं परमेश्वर मेरे लिए। आज पता भी नहीं कितने साल हो गए, वो कहां पे, वो बीमारी कहां पे। अगर आप शुगर के मरीज हो, आप कैंसर के मरीज हो, आपको HIV है, कितने भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों नहीं है, हा? आप कभी मां नहीं बन सकती, हाँ, जैसे उस बहन को कह दिया, उसने फैसला कर लिया गोद लेने। मैंने कहा चाहे कितने भी बड़े से बड़े हालात क्यों नहीं, आप रोज धन्यवाद देना शुरू करो। सियाने कहते पत्थर पर भी पानी रोज गिरे ना तो वो भी कुंडा हो जाता है। तो हमारा परमेश्वर कौन है, हाँ, हमारा परमेश्वर कौन है, वो क्या नहीं कर सकता, क्योंकि हम करते नहीं है, बस आए और चले गए। जाओ आज से करके देखो, जो मैं आज मैंने ये चीज बताई है, जाओ आज से करना शुरू करो। बोलो मैं क्या कह रहा हूं, आज से हर जन इस रीति से हर दिन खुदा को थैंक्स गिविंग धन्यवाद देना शुरू करो। देखो आप अपनी बड़ी बड़ी गवाहियों से खड़े होंगे, क्या होंगे, आमेन। हालेलुया। जैसे पवित्र बाइबल में लिखा है फिलिप्पियों 4:6 में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। सच में धन्यवाद में बहुत ताकत है, और मेरा विश्वास है कि जो इस वचन से अपनी हर एक बीमारियों के लिए धन्यवाद करेगा, मेरा विश्वास है कि निश्चय उनके जीवन में परमेश्वर बड़ी बड़ी गवाहियों को बनाएंगे। और ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, आप अपनी बीमारियों के लिए प्रार्थना करवाने के लिए आप इन हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल कर सकते हो। आमेन।